नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम हो, ये प्रोग्राम हमारा ख़ास कर बीमारियों के सिलसिले से है कि जिस तरीके से मुआशरे और इस समाज में बीमारियां सर चढ़कर बोल रही हैं, तो उनको रोकने के लिए कोई ना कोई रोकथाम ज़रूरी है। तो आइए हम आपकी सबसे पहले मुलाकात कराते हैं डॉक्टर बीसी राय नेशनल अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। आप डायरेक्टर हैं मेडिकल एजुकेशन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन इन एराज लखनऊ मेडिकल कॉलेज, और साथ ही साथ आप एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, एक्स डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन सैफई, और एक्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं पल्मोनरी मेडिसिन के KGMU लखनऊ। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, मुसलसल हमारी तो एक सीरीज सी बन गई है आपके साथ। जी जी जी। अलग अलग टॉपिक पे हमारी आपसे बात हो रही है, तो आज हम बात करेंगे योगा के सिलसिले से। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए, हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये योगा डे किन किन देशों में और क्यों मनाया जाता है। देखिए, योग पुराना शब्द है जी, और लगभग 5000 पुराना शब्द है। 5000 साल। अच्छा। और ये शब्द हमारे भारत से ही शुरुआत हुई। अच्छा। अक्सर आपने शब्द सुनते हैं योगा जी, तो जब कोई शब्द हमारे भारत से विदेश में जाता है जी, तो उसमें एक वर्ड ए ऐड हो किया जाता है, तो उसे योगा कहते हैं। अच्छा। ऐसे इसे कॉमन भाषा में योग कहना चाहिए। योग, योग ही सही वर्ड है। अच्छा। योग, जैसा आपने भी कहा जी, कि हर साल 21 जून के दिन जी, ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अच्छा। ये भारतवर्ष की ही देन है। अच्छा। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी UN में पहली बार 27 सितंबर 2014 में जी, ये एक प्रस्ताव रखा कि पूरा संसार योग डे मनाए जी, और जिसका कि UN ने दिसंबर में इस बात को माना। अच्छा। हर साल 21 जून को योगा डे मनाया जाता। अच्छा। है, और ये सिर्फ देश में ही नहीं, हमारे ही देश में नहीं मनाया जाता, ये संसार के बहुत, मैंने कहा 90% ज़्यादा देशों में। अच्छा। मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि योग के बारे में लोग ये नाम लेते हैं कि आखिर एक्चुअल में देखा जाए योग है क्या, तो हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि योगा कहते किसे हैं? देखिए, योग एक बहुत, मैंने जैसे बताया कि बहुत प्राचीन नाम है। अच्छा। 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने जी अष्टम योग का अच्छा प्रतिपादन किया था। और अष्टम, अष्टम का मतलब समझते हैं आठ चीज़ें जिसमें होती हैं, तो आठ चीज़ों में जो योग में उन्होंने उस वक्त जो बताया जी, वो बताया एम है, नियम है जी, आसन है जी, प्राणायाम है, प्रत्याधार है, धारणा है, ध्यान है, और समाधि तक जाता है। तो अगर हम आज के दिन बात कर रहे हैं, तो अब ये आठों चीज़ों को प्राप्त करना योग में जी बहुत आसान काम नहीं है। समाधि, जैसा आपने सुना कि अंत में इसमें समाधि होती है जी, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, पहले के थे, वो यहाँ तक तो पहुँचते थे जी। लेकिन योग आज एक बड़ा कॉमन हो गया है, और हर कॉमन आदमी योग को कर रहा है, कर रहा है। बिल्कुल। तो योग ये आठों चीज़ें तो नहीं कर रहा, ना आठों चीज़ें करना संभव है जी। तो योग को मेरा अपना डेफिनेशन है जी, कि योग को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि योग एक, सबसे पहली बात, एक अनुशासन है जी। अनुशासन क्यों है जी? जब आप योग कभी करेंगे, अक्सर लोग सुबह के समय ही करते हैं, वही समय बेहतर माना जाता है, तो सुबह समय के लिए आप कोई समय निश्चित करेंगे जी, उसको करने के लिए आप समय से उठेंगे जी। तो योग को मैं सबसे पहले मानता हूँ, योग एक अनुशासन। बिल्कुल। अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो योग नहीं कर पाएंगे जी, जी। योग का दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कि ये जीवन जीने की एक कला है जी।
अगर आप योग करते हैं तो लोग कहते हैं अक्सर स्वस्थ रहने के लिए योग करिए, तो ये जीवन जीने की कला भी है। अगर जितने भी हमने यम नियम जो आठों चीज़ बताया जी, जो अगर जिसमें से उतना आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो एक तरह से आपको जीवन जीने की कला सिखाता है जी। जैसे कि मैं बताऊं कि जो जो मतलब जो एम है, जो मतलब ऐसे एम नियम सारे चीज़ें उसमें बनाए गए हैं, भाई नियम से रहिए, खाना ठीक से खाइए, झूठ मत बोलिए, अपने काम के प्रति सच्चाई रखिए। तो ये बताइए कौन मना कर, किसी भी धर्म में हो, कोई भी चीज़ हो, ये कौन मना करता, कौन कह सकता झूठ बोलिए, कौन कह सकता अपने काम को आप सही से मत करिए। तो इसके जो कंपोनेंट अगर आप डिटेल में जाइए तो ये आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। बेशक, बिल्कुल सही कहा। योग को मैं दूसरी ढंग से और डिफाइन साधारण तरीके से जो हर एक के आदमी के समझ में आ जाए, योग जो है वो सूक्ष्म, जैसे व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम है, छोटी छोटी व्यायाम की प्रतिक्रियाएं हैं जो आदमी योग करता है और आपको वो फिट रखता है। बिल्कुल। दूसरा योग का जो कंपोनेंट है वो प्राणायाम है। प्राणायाम जानते हैं, सांस जो आती और जाती है उसको अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो आपकी स्वस्थ रहने की बहुत अच्छी सी प्रक्रिया बनती है। अच्छा। और तीसरा जो योग का कंपोनेंट है कॉमन आदमियों के लिए, ध्यान है। क्योंकि ये तीन कंपोनेंट जो माइल्ड एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, और ये आप कहीं भी आप पार्क में जाइए, आपको सबको जो लोग साधारण आदमी जो करते दिखते हैं, यही तीन कंपोनेंट पे वो जाते हैं कि भाई थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और फिर अंत में आप देखते हैं थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, इसे हम मेडिटेशन कहते हैं। तो इस तरह से जो कॉमन दिनचर्या में योग को लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया शुरू में कि योग का जो इसका जो साइंस एक तरीके से हम कह सकते हैं तकरीबन ये 5000 साल पुराना, आपने बताया, क्या इससे पहले का भी कुछ इसमें मिलता है? नहीं, इसके पहले का तो नहीं, लेकिन 5000 वर्ष से पहले आप देखिए ऋषि मुनि योग का बहुत करते थे जी, लेकिन इधर योग का चलन बहुत कम हो गया था जी। मैं श्री रामदेव जी को हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मूवमेंट चलाया जी, कि योग इधर घर घर में पॉपुलर हो गया जी, और उसी का नतीजा है कि आप देखिए अब पूरे संसार में योग का प्रचलन हो रहा है। डॉक्टर साहब, योगासन जो योगा होता है, इसको हम अगर यूँ देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और एक हेल्थी इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बताया योग तो 8 भागों में है जी, एम नियम से लेके और समाधि तक है जी। लेकिन जो ये कॉमन मैन जो योग करता है जी, वो सिर्फ या तो माइल्ड एक्सरसाइज करता है जी। माइल्ड एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है? आपने जैसे आप देखते हैं जब आप जिम जाते हैं जी, तो जिम में आप पसीने से तर हो जाते हैं जी। योग की जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत माइल्ड होती हैं, और योग में कहा जाता है कि अगर आप थक गए हैं जी, पसीना हो रहा है, तो योग में ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि जिसमें आप थोड़ी देर आप लेट जाते हैं या ऐसे ऐसे आसन में चले जाते हैं कि आपकी सारी थकान, तो योग में कभी थकता नहीं आदमी जी। और माइल जो एक्सरसाइजेज जो जी जिम वाली होते हैं उसमें आप देखते हैं आदमी थकता है, पसीना आता है, तो योग को माइल्ड एक्सरसाइज है जी। फिर आपने देखा प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है? आपकी जो सांस जो अंदर और बाहर जा रही उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा। और तीसरा आखिर में जो योग में एक साधारण आदमी करता है वो ध्यान लगाता है जी। ध्यान से आपका मन स्थिर होता है जी। तो इसी तरह योग के जी, जहाँ तक स्वस्थ होने की बात है, तो अब आप देखिए WHO ने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है। हेल्थ को डिफाइन किया है कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप पे डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्दी हैं। हेल्थ इज़ डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। सारी वेल बीइंग है अगर आप, तब आप हेल्दी हैं। आपने देखा बहुत से लोगों को कोई रोग नहीं होता, उनको डिप्रेशन होता है, उनको मानसिक रोग होता है, फिर भी वो रोगी कहलाते हैं। उनको शरीर में कोई, उनका हार्ट ठीक है, लंग ठीक है, हाथ पैर ठीक हैं, आँख ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो मानसिक तरीके से। तो हेल्थ का जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन WHO ने दिया, उसमें चारों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो, आपका मेंटल हेल्थ हो,
आपका सोशल हेल्थ हो जी। जैसे योग में भी सोशल होने का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है जी। और फिर आपका स्पिरिचुअल है, कुछ जो भी धर्म आप मानते हैं तो उसमें भी कुछ अपना ध्यान रखिए, तब आप स्वस्थ कहलाते हैं। योग जो है वो हमारे हिसाब से सारी चीज़ें आपको प्रदान करता है जी। आपको फिट बनाता है जी। फिजिकली फिट बनाता है, आपको मेंटली फिट बनाता है जी। और आपको स्पिरिचुअली फिट बनाता है जी। तो जो रियल जो स्वास्थ्य का जो हेल्थ का जो डेफिनेशन है जी। वो योग जो लोग करते हैं वो शायद उनको सारी बातें उससे मिलती हैं। बहुत खूब डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस में अगर देखा जाए कि जिस तरीके से इंसान जब बीमार होता है तो खासकर बीमारी के सिलसिले से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें योग बताया गया है खासकर? अब देखिए, योग जैसा मैंने बताया, पहले तो जो आदमी बीमार नहीं है उनको स्वस्थ रखने के लिए उसमें ज़्यादा महत्व है। बीमारियों में भी योग का महत्व है जी। ऐसे तो लोग कहते हैं कि आप किसी बीमारी में भी योग करिए, लेकिन योग जो प्रूव हो चुका है जी। हमारे यहाँ जो आजकल हम बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जी, जैसे कॉकरेन रिव्यू है जो ये बताता है कि कितनी स्टडीज़ हो चुकी हैं और किन किन रोगों में योग का महत्व हो सकता है जी। तो जिन रोगों में प्रूव हुआ है कि योग का महत्व हो सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर है जी, जैसे आपने देखा लोगों के कोलेस्ट्रॉल और जी लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाते हैं जी, उसमें लोगों ने इसका महत्व दिखाया है जी। हार्ट की बीमारियों में हार्ट रेट किसी का ज़्यादा है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बैकएक होता है जी। उसके बाद आपको जैसे हमारे मैं तो सीने का डॉक्टर हूँ, चेस्ट का डॉक्टर हूँ, तो अस्थमा और COPD में भी बहुत सी स्टडीज ऐसी हुई हैं जो योग का, जिसमें महत्व दर्शाया गया है कि योग करने से हो सकता है अगर छोटा रोग है तो पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और अगर रोग बड़ा है जैसे अस्थमा किसी को भयंकर है तो योग करने से क्या होता है कि दवाएं आपकी कम हो जाती हैं और आप स्वस्थ जो है ज़्यादा महसूस करते हैं। तो ये सब जैसे कुछ जोड़ों के भी हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो योग करने से जैसे एक जनरल वेलबींग की मिलती है तो रोगियों को भी कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रोगी लोग हैं, स्वस्थ लोगों को भी मैं कहता हूँ और रोगी लोगों को खास कर, कि योग जो है वो अपने आप नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत से योग ऐसे होंगे, बहुत सी बीमारियाँ होंगी जिसमें हो सकता हो नुकसान पहुँचा दे जी, रोग बढ़ा दे बिल्कुल। तो योग जो है जो रोगियों को है जी, वो किसी प्रॉपरली ट्रेंड योगा जो ट्रेंड जो टेक्निक्स होते हैं और योग के जो जिनके पास डिग्रियां होती हैं, बहुत लोग आजकल योग की डिग्रियां रखते हैं, उनसे बात करके अपनी बीमारी को बता करके और क्या आपकी क्षमता है कितनी नहीं है उस हिसाब से किया जाए तो योग का महत्व तो ज़्यादा हो सकता है। यानी कुल मिला के कि विदाउट ट्रेनर हम योग का जी बिना ना करें जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे योग के बारे में अक्सर लोगों में ये मिथ से भ्रांतियाँ हैं कि 40 से 45 साल की उम्र जब हो जाए, एक तवील उम्र हो जाए, तब आप योगा शुरू कीजिए, तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना? देखिए, योग तो हमारे हिसाब से बहुत लोग ना तो ये अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है, ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना लिटरेसी देखता है। आप देखते हैं योग को, ऐसा तो है नहीं योग सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही करते हैं जी। तो आप जो बेचारा नहीं पढ़ा वो भी योग, तो योग किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं करता। अक्सर धारणा यही थी कि भाई जब हम थोड़ी उम्र बढ़ेगी तब हम ये सब एक्सरसाइज ये सब करेंगे, लेकिन आज कल धारणा ये है कि योग को अगर बचपन से ही प्रैक्टिस किया जाए, यंग एज से ही प्रैक्टिस किया जाए, तो इसका महत्व। अब आपने देखा होगा, छोटा सा एग्जांपल मैं देखता हूँ, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे जी, एक क्लास PT का होता था जी, अब तो कम होते हैं जी सर, अब खेलने कूदने का समय भी कम मिलता है क्योंकि पढ़ाई में इतना प्रेशर आ गया है। इन पहले आप हम जब पढ़ते थे तो एक घंटा पूरा 45 मिनट एक PT का क्लास होता था, 45 मिनट। तो PT में होता क्या था? PT में यही माइल एक्सरसाइजेस, बिल्कुल सही, ध्यान लगाना, प्राणायाम सिखाया जाता था। तो ऐसा ना, आज ये कोई हमारे भारतवर्ष के लिए कोई नई चीज़ नहीं है जी। ये बहुत शुरू से ही
स्कूलों, तो मेरा अपना मानना है कि ये स्कूलों शुरू के बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल जाता है, वहीं से उसकी ट्रेनिंग योग के बारे में होनी चाहिए। और तभी कोई चीज़, जैसे खाने के बारे में लोग कहते हैं कि खाना साहब अभी 40-45 साल तक खा लीजिए जम के, उसके बाद जब थोड़ा बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आएगा तब संभलेंगे। ऐसा नहीं है, साइंस ने प्रूव कर दिया है, खाना जो भी है आपका स्टाइल खाने का है, वो जब बचपन से ही अगर सही होगा तब आप स्वस्थ रहेंगे और आपको बीमारियां नहीं होंगी, या होंगी तो बहुत कम होंगी। बेशक, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। जिस तरीके से देखा जाए आज योगासन और डिफ्रेंशिएट है एक्सरसाइज, खासकर जिमिंग में जो लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है उसका, ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या फिर ये योगा का फ़ायदा ज़्यादा? देखिए, दोनों को तो कंपेयर करना बड़ा मुश्किल काम है जी। जिम भी अपनी जगह है जी, लेकिन जैसे मैंने अभी बीच में आपको बताया कि योग और जिम वाले एक्सरसाइज, जिम का एक्सरसाइज आप लगातार करते हैं जी, खूब थकते हैं, आपको खूब पसीना होता है, लेकिन आप योगा करने वाले को कभी नहीं देखा होगा कि वो थक गया, उसकी सांस फूल रही है, उसको पसीना, क्योंकि योग में ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि आप, योग में कहा जाता है कि अगर आपको थकान लगता है, थकान लग रही है, तो कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान, ऐसा बताते हैं वो बीच बीच में कि बीच बीच में आपको थकने का कोई प्रक्रिया उसमें होती नहीं। यानी आप 45 मिनट मान लिए योग करते हैं, मैं स्वयं योग लगभग 20 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने योग के बारे में पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करी है, लेकिन योग का जो मेरा संबंध है वो मैं स्वयं 20-25 सालों से योग करता हूँ। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी हमारे और व्यूअर्स के सामने। जी जी, पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यही बात मैं बताना भी चाहता, चूँकि मैं स्वयं, मैंने योग के बारे में जो कुछ सीखा वो करके सीखा। अच्छा। और मैंने हमेशा किसी योग इंस्ट्रक्टर, योगिक इंस्ट्रक्टर के साथ ही योग किया है। आप जरूर है, अब मैं भी सीख गया हूँ, अब मैं कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन शुरू के 10-15 साल मैंने हमेशा, मैं पटेल चेस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था जी, जब मैं लखनऊ से दिल्ली गया, लखनऊ में तो मुझे काफ़ी इंस्ट्रक्टर मिल जाते थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में योगा का पूरा डिप्लोमा होता है तो वहाँ से मुझे मिल जाते थे, लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो मुझे बड़ी मतलब हुई कि अब मेरा यहाँ कौन मुझे कराएगा जी। तो लेकिन जब मैं पटेल चेस्ट में गया, मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे पता लगा कि पटेल चेस्ट के अंदर ही जो है मुरारजी देसाई का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है हमने दे रखा है अपने संस्थान में जी, जो योग और रेस्पिरेटरी डिजीज़ पे काफ़ी रिसर्च करता है जी। तो मैंने उनके जो मुरारजी देसाई के जो डायरेक्टर साहब थे उनसे एक दिन ऐसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा भाई मैं लखनऊ में योग करता था और यहाँ भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है अगर कोई आएगा, कोई हमको सिखाएगा, देखिए किसी इंस्ट्रक्टर के आने का 2-3 मतलब होता है। एक तो इंस्ट्रक्टर के संग आप अनुशासित रहते हैं जी। अनुशासित मतलब जैसे मुझे पता है कि 7 बजे वो आएगा जी। अगर वो नहीं आएगा तो कभी हम सो भी सकते हैं, कभी हमें नींद आ गई, कभी हमने आलस कर लिया, ऐसे इंस्ट्रक्टर आता है तो मेरे को, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे सुबह से होती थी भाई देखो आ रहा होगा, चलो जग जाओ, कितनी भी आलस हो रही हो, कितना देर से रात में सोए हैं कभी कभी, तो उठना, तो आपको अनुशासित करता है इंस्ट्रक्टर। दूसरा, इंस्ट्रक्टर आपको आपकी शरीर को समझ के, अगर आप में कोई बीमारी, जैसे बहुत लोगों को आजकल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये सब समझ के वो योग को आपके शरीर के हिसाब से वो मॉडिफाई करता है कि डॉक्टर साहब ये करिए और ये आपके लिए वर्जित है। और तीसरा, ऐसा नहीं कि हाथ पैर घुमा लिया, सांस आगे पीछे छोड़ दिया, वही योग हो गया, उसको सही ढंग से करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इंस्ट्रक्टर आपके पास है, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर है, तो अगर आप जब भी गलत करते हो तो आपको वो बताता है, नहीं डॉक्टर साहब आपने सांस ठीक से नहीं भरी, आपने सांस पूरी नहीं भरी, आपने सांस पूरी नहीं निकाली। तो उस तरह से शुरू के सालों में मैं हमेशा कहता, मैंने तो लगभग 20 सालों में 15 साल इंस्ट्रक्टर, और मेरे को वहाँ बड़ी बड़ी खुशी की बात है, मेरे को जो पटेल चेस्ट में जो योगा कराने आता था वो धीरेन ब्रह्मचारी जी के संग, क्योंकि ये जो मुरारजी देसाई जो संस्थान है योगा का दिल्ली में, उसको धीरेन ब्रह्मचारी ने ही उसको इस्टेब्लिश किया था, तो वो उनकी सारी किस्से कहानी सब वो सुनाता था, बहुत अच्छा था, उससे मैंने बहुत सीखा योगा और उसने मुझे बहुत। तो योगा का मेरा अपना मानना है
जो 20 साल से जो मैंने सीखा, मैंने क्या पाया योगा में, जो आपको वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने योगा की, एक दो योगा के बारे में सब किताब पढ़ लीजिए, जो भी लिखा आप बता दीजिए, बिल्कुल सही कहा। मैं अब आपके पास जो भी बताने जा रहा हूँ, मैंने 20 साल में क्या देखा, जब मैंने योगा किया तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ। पहला फ़ायदा मैं बताता हूँ, सभी जनता को बताता हूँ, जब भी भाषण लेता हूँ, इट मेक्स यू स्मार्ट। बिल्कुल, पहली बात है, क्योंकि यंग जनरेशन को अगर आप ये बताइए कि आपको स्मार्ट बनाता है, स्मार्ट कैसे बनाता है, आपको फिजिकली फिट बनाता है, मेंटली अलर्ट बनाता है, शरीर को गतिशील बनाता है, मतलब क्या, एक्टिव बनाता है, और दिमाग को शांत करता है। तो ये सब एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, तो आपको स्मार्ट बनाता है। एक बात मैं और बताता हूँ, ये आपको कम उम्र स्मार्ट होंगे जब आप थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज करेंगे, अपना विचार ठीक रखेंगे, खाना पीना ठीक रखेंगे, काम आप अपना ठीक से करेंगे। आप अपना काम ठीक से ना करिए, देखिए आपको चिंता की यही बड़ी बात है। आप किसी दिन ऑफिस, अगर मान लिया 10 बजे जाते हैं और किसी दिन ऑफिस आप 11 बजे जाइए, देखिए आपको, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आपको इसी की चिंता होती है, आज मैं लेट जा रहा हूँ भाई। तो कहने का मतलब, योग में जितनी चीज़ें रखी, इट मेक्स यू स्मार्ट, इट मेक्स यू अलर्ट, इट मेक्स यू फिजिकली एक्टिव, इट मेक्स यू टू लुक यंग। एंड एक और चीज मैंने योग में पाया, योग में जो आपको भूली बिसरी बातें हैं वो आपको याद आती हैं। अब ये कैसे मुझे हेल्प किया, मैंने कहा, मैं पटेल चेस का 3 साल लगभग डायरेक्टर रहा, हर दिन लगभग मैंने योगा किया, और योगा में मुझे क्या होता था कि जैसे मैं योगा कर रहा हूँ और बीच में शांति हुआ, शवासन में गया, तो उसे वो कहते हैं शवासन में सब चीज़ें भूल जाइए, लेकिन भूलता नहीं, तो कुछ चीज़ें ऐसी याद आती थी कि भाई अरे हमने फला डॉक्टर साहब को ये काम 7 दिन पहले दिया था, अभी तक हुआ नहीं, ऑफिस में गए 9 बजे, तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाया और कहा डॉक्टर साहब आपको कहाँ सर भूल गए, कल सर करके दे दूंगा। तो इट हेल्प्स यू इन योर एडमिनिस्ट्रेशन, इन योर डे टू डे एक्टिविटी। तो अगर आप योगा को, जितना मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, और मैं इसीलिए छोड़ नहीं पाता हूँ, जैसा आपने कहा ना, बहुत लोग तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं, बहुत लोग पान मसाला नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये भी एक तरह से लत है। अगर मैं योगा करता हूँ तो उसके लिए, मेरे लिए वो भी छोड़ पाना मुश्किल, क्योंकि मैं एक बात फाइनली, ये जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिस दिन मैं योगा नहीं करता हूँ, कोई कारण बस नहीं किया, देर हो गई, तो मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर में कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए योगा मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको स्वस्थ रखने में पहली बात, अगर आप में छोटी मोटी बीमारियां भी हैं तो उन बीमारियों को भी कंट्रोल करने में योग का बड़ा महत्व। जैसे मैंने कहा, ब्लड प्रेशर है आपको, आपको डायबिटीज़ है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपके लिपिड आजकल सबको जिसका कराइए कि साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये देखिए ये सब बीमारियों में तो पक्का प्रूवन है कि योग करें। ये नहीं, योग करने का अब एक महत्व और बताऊँ, ऐसा नहीं योग करने के साथ आपने दवाई सब बंद कर दी जी। बहुत लोग करते हैं, तो ये बात हमारे हिसाब से सही नहीं है जी। योग दवा को कम कर सकता है जी। छोटे मोटे रोग को हो सकता है हटा भी सकता है, लेकिन डॉक्टर अपनी दवा भी लीजिए, वो भी अपने डॉक्टर से मिलिए, लेकिन योग भी करिए। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हो सकता है उसकी डायबिटीज़ की दवाई बहुत कम हो जाए जी। ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाई कम हो जाए, कम हो जाए, बिल्कुल। तो ये एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि आप ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, तो आपको, तो मेरे अपने हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और आपको कर्मठ बनाता है, आपको हर तरह से फ़ायदा करता है। बेशक डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। नाज़रीन, खासकर डॉक्टर साहब ने जो बात बताई, हकीकत में बकौल डॉक्टर साहब के, जिस तरीके से देखा जाए, ना मेडिटेशन, ना आपकी कोई मशीन्स, ना आप जिस तरीके की जो भी मशीन्स यूज़ करते हैं घर में एक्सरसाइज की, आप वो भी लाख ले आएँ, लेकिन आपको एक बेस्ट ट्रेनर की ज़रूरत है। जब तक एक बेहतरीन कोच, बेहतरीन ट्रेनर नहीं होगा, आप सेहतमंद मुआशरा, सेहतमंद समाज नहीं बना सकते। फ़िलहाल नाज़रीन, जिस तरीके से मुसलसल हमारी बात हो रही है योगा के सिलसिले से, हकीकत में
योगा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को स्ट्रांग बनाता है, चाहे वो मेंटली बात हो चाहे फिजिकली बात हो, हर तरीके से इंसान स्ट्रांग बनता है। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब एक छोटा सा मैसेज हमारे खासकर व्यूवर्स को दे दें। बस मैं एक बात बहुत ही दो शब्दों में कहना चाहूँगा, दो तीन कहावतें हैं जो अक्सर दो तीन मुहावरे हैं जो अक्सर यूज़ करता हूँ कि अगर आप योग युक्त हैं, मतलब अगर आप योग करते हैं जी, तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। पहला इशू। दूसरा जो है, योग आपके मन को स्थिर करता है, बहुत खूब, और आपके शरीर को गतिशील बनाता है, मतलब इट मेक्स यू एक्टिव एंड इट कीप्स योर मेंटल स्टेटस क्वाइट बैलेंस। एब्सोल्युटली राइट। तो आपने जितने लोगों को देखा होगा, साधु महात्मा को देखा होगा, साधु संत को देखा होगा, बड़े सरीन, बड़े ही मतलब ऐसे रहते हैं, तो ये सब योग के फायदे हो सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा पूरी जनता को कि अगर आप योग ज़रूर करिए। यह योग करने के लिए कोई ट्रेंड योगा का इंस्ट्रक्टर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या उससे बात करके करिए, अपने रोगों के बारे में उसे बताइए तो वो आपका योगा मॉडिफाई करा देगा। बिल्कुल। और जैसे मेरे को ऑस्टियो, मैं भी 67.5 साल का हो चुका हूँ, मेरे को भी थोड़ी बहुत परेशानी है, तो मैं योगा वालों को बताता हूँ और योगा आप साहब से अपने हिसाब से। आपने अपना नाज़रीन राज भी बता दिया, आप 66 साल के लेकिन लगते नहीं है क्योंकि सिर्फ योगा का कमाल है। फिलहाल नाज़रीन अब हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और हमारी प्रोग्राम की जो पंचलाइन भी है वो इसी से ही रिलेटेड है कि टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। तो फिलहाल अब हसन आसिफ को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज़।